आप सब उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो जनाब आज काफ़ी दिनों के बाद मैं फिर से किचन में आ गई हूँ। पिछले दिनों तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, इस वजह से वीडियोस बन नहीं पा रहे थे, सिर्फ शॉर्ट्स ही बन रहे थे। तो चलिए आज बना लेते हैं गार्लिक ब्रेड। तो जिसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है बता देती हूँ, बहुत आसान सी रेसिपी है, बच्चों के टिफिन के लिए तो एकदम परफेक्ट है ये रेसिपी। देख लीजिए आप, ये चार ब्रेड ली हूँ मैं, थोड़ी सी गार्लिक, हरा धनिया, मोजरेला चीज़, आपके पास जो भी चीज़ है वो चीज़ ले लें, ऑरिगैनो, और ये है चिली फ्लेक्स, और ये है बटर, और फिर नमक अपने हिसाब से आप डाल लीजिएगा। चलिए सबसे पहले गैस ऑन करेंगे, एक कप घी रख लेते हैं इसमें, और थोड़ा से ये 7 से 8 लहसुन की कलियां इसको रोस्ट कर लेंगे। आप ओवन में भी कर सकते हैं इसको, इसमें भी कर, इस क्या इसमें कर ले या तावे पे कर ले। देखिए अच्छी तरह ये रोस्ट हो गया, रोस्ट करके बनाने में ज्यादा मजेदार होता है। चलिए इसको ठंडा कर लेते हैं, ठंडा होने के बाद इसको मिक्स करेंगे। चलिए ये गार्लिक अच्छी तरह ठंडी हो गई है, उसको मैं बारीक बारीक टुकड़ों में काट ली। ये इसकी जो रोस्ट करने के बाद जो इसकी खुशबू आती है ना, कमाल की खुशबू। चलिए अब ले लेते हैं 2 चम्मच भर भर के अमूल बटर, अब इसमें डाल लिए गार्लिक, एक हरा धनिया, अच्छा ये डाले ऑरिगैनो, एक टीस्पून ये ऑरिगैनो डाल दिए 1 चम्मच। आप डालें इसमें थोड़ा से चिली फ्लेक्स अपने हिसाब से, नमक और मिर्ची अपने हिसाब से आप डाल लीजिए। अब डालिए नमक, इसको अच्छी तरह फेंट लेते हैं पूरा। इस तरह बैटर बना के भी रख सकते हैं आप, जब तबीयत हो तब ब्रेड मंगा के ब्रेड में लगा के खा सकते हैं। चलिए ब्रेड में इस तरह इसको स्प्रेड कर दिए, अब डाल लेते हैं, एक में चीज़ का बनाएंगे और एक बगैर चीज़ का बनाएंगे। ये मोजरेला चीज़ अच्छी तरह डाल लेते हैं इसमें, चलिए आप सैंडविच मेकर ले लिया। अगर आपके पास सैंडविच मेकर नहीं है तो तावे पे भी बना सकते हैं। थोड़ा सा बटर लगा लिए, बटर या ऑयल, दोनों तरफ बटर लगा लिए। अब इसको इसमें डाल लेते हैं, चलिए अब देख लेते हैं इसको। बस ये हो गया, अब डिश आउट करके बताती हूँ। ये बन गया हमारे मज़ेदार से गार्लिक ब्रेड और चीज़ गार्लिक ब्रेड, दोनों ही मज़े के हैं। तो आप लोग भी एक बहुत ही आसान सी रेसिपी आप लोग भी ट्राई कीजिए, बनाइए और एंजॉय कीजिए, बच्चों के टिफिन में ज़रूर दीजिएगा। तो यहीं तक थी मेरी आज छोटी सी वीडियो, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बगल में बेल बटन है उसे दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अल्लाह हाफिज़।
हमेशा खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, मुस्कुराते रहिए।